स्वागत है आप सभी प्यारे फैमिली मेंबर्स का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। लड्डू का एक बहुत ही प्यारा सा नवरात्रि स्पेशल वीडियो शूट हुआ है स्टोरी फॉर्म में, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। नवरात्रि स्पेशल वीडियो के लिए मैं पूरा का पूरा ना अपना ना जितना आर्टिफिशियल हीरे जवाहरात सब निकाल करके लाद ली हूँ खुद पे, और थोड़ा सा अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करी हूँ। हार्ट टचिंग है, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, अपलोडेड है शॉर्ट्स में। सुबह सुबह नाश्ता करा रहे थे और अनमोल के हाथ में मोबाइल की जगह पर ये खिलौना देख कर इतना सुकून मिला कि बता नहीं सकते हैं। और दोपहर में मैंने यहाँ पर बनाए थे कुछ इस तरह से पाव सैंडविच, शायद इसे पाव सैंडविच ही कह सकते हैं। मेरी कुछ रेसिपी ऐसी होती है कि मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं बना के आ रही हूँ, बस इतना पता होता है कि भूख लगी है कस के और कुछ बना के बस खा लेना है। और यहाँ पे इसके बाद मैं लगूँगी थोड़ा सा, मुझे ना एक बैंगल बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे वीडियोज़ नहीं है मेरे पास तो इस वजह से बनाना था और मुझे वीडियोज़ अपलोड करने थे, तो मैं सोची कि चलो दोपहर में आए हुए थे पापा लंच के लिए तो उनकी भी एक वीडियो कोशिश की लेते हुए निकलूँ, लेकिन शायद निकली अनकनिका गोद में रहती है ना तो उटपटांग तरीके से वीडियो बन जाते हैं, कई बार पता ही नहीं चलता है कि सही से कुछ कैप्चर हुआ कि नहीं। तो लड्डू और अनमोल दोनों अभी दादी माँ के साथ खेल रहे थे तो मैंने आकर ये दो बैंगल्स को ना कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो वो वाले नवरात्रि स्पेशल बनाई थी तो बहुत सारे कमेंट है लटकन अच्छा नहीं लग रहा है, उसे मोड़ दीजिए या फिर हटा दीजिए, तो मैंने उसको ना थोड़ा सा कुछ यूनिक तरीके से करने की कोशिश करी है। आप लोग बताइएगा जाकर देखकर शॉर्ट्स में कि कौन सा वाला बैंगल दोनों में से ज़्यादा अच्छा लगा। फिर शाम में मैं लड्डू को जैसे तैसे तैयार करके बाहर ले गई क्योंकि इस टाइम पे अनमोल सो रहा था, तो मुझे पता था कि परेशानी कम होएंगी, अनमोल कनिका के साथ वीडियो बन जाएंगे, लेकिन ये मैडम भी ना सारी चीज़ें हटा हटा के फेंक दे रही थी। बट फाइनली एक वीडियो बहुत प्यारा सा बन के अपलोड हो चुका है। फिर उसके बाद ये सारे स्टिकर्स लगा के मैं एक क्लिप ले रही थी ताकि मैं उस वीडियो में थोड़ा सा और अच्छा सा एडिशन कर पाऊँ। और इसके बाद मिलते हैं सामने सामने। कनिका ऊपर देखो, कनिका ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये कनिका। तो नवरात्रि स्पेशल वीडियोस के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो फाइनली हमने लड्डू के साथ एक शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में बनाया है, लाडा रानी चैनल पे अपलोड भी हो गया, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। और लाडा रानी कैसे तैयार हुई थी, ये सब लगा के तैयार हुई थी ना लड्डू, देख लो। अच्छा ऐसे देख लो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है लड्डू, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे काले रात रही। तो हमारे थंबनेल के लिए फोटो ले लिया हमने, है ना लड्डू, मस्त लड्डू, मस्त 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 मस्त। और ये कौन आया, और ये अनमोल, अनमोल पढ़ा रहे हैं हमारे रूम में, अनमोल दिख रहे हैं कि नहीं, अनमोल पधार रहे हैं हमारे रूम में। अनमोल कहाँ गए, जा क्या गिरा है, क्या गिर गया अनमोल, दे दो तुम मम्मी को, पापा आ गए। अरे वाह, एक और आ गया, दिल वाले शेप का आया इस बार, अरे वाह, दिखा दे तो वीडियो में, दिखा दे, दिखा दो अनमोल। तो ये एक और आ गया क्योंकि ये दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, अनमोल और कनिका, है ना अनमोल, दोनों को ही बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। निकाल के शूट करते हैं ना, जाइए क्या हो गया, थम्स अप दे दो अनमोल, थम्स अप, मजा आ गया ना अनमोल। एक लड्डू को लाके दे दो, एक जो पहले वाला है, बाबा लाके दिए ना अनमोल को, एक जा रहा है अनमोल लाने लड्डू के लिए, वेरी गुड अनमोल। साथ में मैं भूल ही रही थी फिर से एक बात मुझे करनी थी, ऐसे दो दो कमेंट्स में यहाँ लगा रही हूँ, बहुत सारे आ रहे थे तो मैं माइक लगा लेती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा आवाज के लिए। हाँ जी, तो मैंने माइक लगा लिए हैं और इसके साथ ही आप लोगों से एक ज़रूरी
जरूरी बात करनी थी, तो जरूरी बात ये थी, कमेंट आ रहा है बार बार, दो कमेंट्स ऐसे हैं जो बार बार नाम लेने के लिए और साथ में मोटिवेशन के लिए थे कि हम स्कूल लाइफ में हैं और हमारी फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा आप हमें मोटिवेट करो कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। क्या कनिका? तो कनिका रानी को तो देखिए, हमें ना कोई भी किसी की बातों से या किसी से भी हम ना मोटिवेट नहीं। लड्डू रानी थोड़ा सा दूर हट जाओ। हाँ तो ये ना कमेंट ऐसे था कि बार बार नाराज भी हो रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। तो दो दिनों से आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे घर की और हमारी कंडीशन क्या थी, हॉस्पिटल की चक्कर एंड ऑल। तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि हो सकता है दो तीन दिन लेट पढ़ूँ कमेंट। और इसके साथ ही लड्डू पीछे हो जाओ थोड़ा सा। हाँ तो मोटिवेशन के लिए मैं तो लड्डू ना, लड्डू तुम थोड़ा सा मुझे ठीक से बात कर लेने दो, बोल लेने दो ना अपनी बात। चलो के लेट गई लड्डू हमारी तो मोटिवेशन के लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हम खुद को खुद से ही मोटिवेट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या। अरे लड्डू रानी थोड़ा सा पीछे हटो, पीछे हटो। हाँ तो दूसरी पहली चीज़ कि आप किसी को देखकर, किसी की लाइफस्टाइल देखकर मोटिवेट होते हो कि हाँ ये इनसे मुझे ये इंस्पिरेशन मिली, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ और करना चाहते हो तो करते हो। दूसरी चीज़ होती है कि हम खुद को खुद से मोटिवेट करते हैं कि हमारे सिचुएशंस ऐसे हैं तो हमें सबसे मेन चीज़ है कि चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा। और स्टूडेंट लाइफ के लिए मैं बोल तो सकती हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन मोटिवेशन के लिए आया था कि मोटिवेट करिए हमें। तो एक बात बताए, कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है, आप खुद ही खुद को मोटिवेट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे खुद कैसे खुश रह सकते हो। और हम लोग, मैं वीडियोस डालती हूँ तो सबको लगता है मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारा भी ब्रेकडाउन होता है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ बोला कि हम खुद ही खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। और लड्डू रानी भाई, हाँ तो ये बात ये कि अब मुझे लड्डू को भी संभालना है, वीडियोज़ भी बनाने, अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके बोलूँ कि अब मुझे आप लोग मोटिवेट करो कि मैं इस काम को कैसे करूँ, तो कोई मुझे दो बात बता देगा तो उसके बाद क्या मैं मोटिवेट हो जाऊँगी, अब मैं करने लग जाऊँगी? नहीं ना, मुझे खुद ही देखना होगा कि मुझे कैसे मैनेज करना है और कैसे चीज़ों को करनी है। तो बस इस कमेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो बार बार आ रहा था कि मैं नाराज़ हो रही हूँ, आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, हमें मोटिवेट नहीं कर रहे हो स्टूडेंट लाइफ के लिए, तो इसमें नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं थी। सिंपल सी हमारे सामने कैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें हैंडल करना सीखना होगा। और सबसे मेन चीज़ मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, इग्नोर करना सीखना होगा। और दूसरी चीज़ की पूरा फोकस जो है ना सिर्फ अपने काम पे देना सीखना होगा कि हमें क्या काम करना है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और एक बार उस पर फोकस कर लो और बाकी आलतू फालतू की चीज़ों को इग्नोर करना सीख लो, अपने आप मोटिवेटेड ही रहोगे और अपने काम में लगे रहोगे। कभी कभी हमें चीज़ें अफेक्ट करेंगी तो ये मत समझ लेना कि हम बहुत वीक हैं इसलिए अफेक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को चीज़ें अफेक्ट करती हैं, बस उस सिचुएशन में आप थोड़ी देर के लिए आओगे फिर थोड़ी देर बाद निकल जाओगे और कुछ नहीं, फिर अपने आप को आप मोटिवेट कर सकते हो। इग्नोर करना सीखो, सबसे मेन चीज़ है इग्नोर 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 इग्नोर, चीज़ों को इग्नोर करो, नज़रअंदाज करना सीख लो, एक कान से सुन के कान से निकालना सीख लो। और नहीं हो पाती हैं कई बार चीज़ें ना, जो चीज़ें भरी है ना अंदर, तो वो चीज़ें ना एक साथ सारे थॉट्स आने स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। एक आध दिन मूड ऑफ रहता है, अपसेट रहते हैं, वो चलेगा, लाइफ है तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। बट खुद को खुद से हम मोटिवेट कर सकते हैं, जब चाहे खुश रख सकते हैं, जब चाहे सैड रख सकते हैं, क्योंकि थॉट्स ही तो हैं जिन्हें कंट्रोल करना है और इग्नोर करना है ना। तो बस तो चलते हैं यहाँ से आगे। आज बहुत ज़्यादा व्लॉग मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि अनमोल में थोड़ा सा मुझे अब ज़्यादा, ओ लड्डू रानी, मम्मी पापा दोनों वाला रोल मुझे निभाना पड़ेगा, तो इस वजह से लड्डू के साथ साथ सिर्फ लड्डू लड्डू करने से नहीं अनमोल को भी अरे लड्डू। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं और यहाँ से जो भी रूटीन होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, सूट होंगी, सब इसमें ऐड करते जाएंगे। अभी मैं बनाऊंगी मशरूम की सब्जी, तो कोशिश करूंगी कुछ थोड़े बहुत क्लिप्स निकालूं। बाकी अगर रेसिपी देखना होगा तो रेसिपी ऑलरेडी अपलोडेड है, रेसिपी फॉर्म में नहीं बनाऊंगी, बहुत शॉर्टकट फॉर्म में वीडियो बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा वीडियो आज नहीं बनाने वाली हूँ, एक दो दिन अभी DIY वाले और ये सब चीज़ें मैं बनाती रहूँगी। तो बंद करते हैं यहीं पे वीडियो को और अभी नवरात्रि स्पेशल वीडियो के लिए आप लोग सजेशन दीजिए, स्टोरी आप लोग बताइए कमेंट में, तो मैं उसको स्टोरी फॉर्म में ज़रूर बनाऊँगी, 100% बनाऊँगी, वो चाहे सास बहू वाले वीडियो हो, चाहे बच्चे से रिलेटेड हो, बेटा या फिर बेटी वाले, जो नवरात्रि स्पेशल बन सकते हैं आप लोग सजेशन दीजिएगा स्टोरी, लेकिन अपलोड होएगा लाडो रानी वाले चैनल में। तो जाकर लाडो रानी चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक करते हुए जाइएगा वीडियो को। तो बस चलते हैं यहाँ से, देखते हैं थोड़े बहुत क्लिप्स, जो भी चीज़ें अभी से होंगी सारा कुछ मैं यहाँ से ऐड करती जाऊँगी।
तो मैं अभी जरा सा के लिए बाहर निकली थी तो पता चला अनमोल तैयारी कर रहा है बॉल लेकर पार्क चलने के लिए, तो चलिए ले चलते हैं अनमोल को। और इसके साथ ही बहुत लोग मुझसे नाराज़ हो रहे थे कमेंट्स नहीं पढ़ने की वजह से, तो माफ़ी चाहेंगे। अभी थोड़ा सा समय ऐसा है कि नहीं हो पा रहा है मैनेज, थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। डीजे सर के आते ही हम लोग सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे। चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं भाई। अनमोल को लेके जा रहे हैं हम लोग अचानक से पार्क, क्योंकि बताया था मैंने कि अनमोल को लेके जाएंगे डेली हम लोग पार्क। अनमोल के पार्क का ब्लॉग जाएगा अनमोल के चैनल पर। चलते हैं, चलो बाय कनिका। बाय कनिका, टाटा टाटा, कर लो जल्दी, कर लो जल्दी। बाय कनिका, बाय बाय, कर लो बाय कनिका। कनिका का पीती बहुत ढीला ढीला है, हैं थोड़ा देख रखे ऐसे करके चाहिए, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। नीचे थोड़ा सा सिल दे, फिर बाद में वही करेंगे एक दिन बैठ। अभी तो सिलने वाला ढेर इकट्ठा किए हैं सामान सब, एक दिन सिलेंगे बैठ के। बाय कनिका, बाय कनिका, कर लो बाय, कर लो फटाफट, टाटा। चलो तू काम करो अपने, बोल ले लिया। हाँ, डिक्की में लग बाबा लग दिए। अच्छा, डिक्की में रख दिए हैं। बोतल रख दे, हाँ बोतल के तो उसकी जान में जान। बाय बाय, कर लो बाय कनिका। की बाकी है खाली, बाय कर लो बाय। खेलती थी कल, खेल रही थी, अच्छी बात है। बाय कनिका, छीन लेते हैं ना, बाय कर लो, छीन लेते, टिंग टिंग। चलो अभी तक खाने के चक्कर, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय बाय, कर लो बाय बाय, बाय बाय, ये अनमोल एक बार और ये कर लो। पार्क में क्या कम ठंडक मिली जो अनमोल ने आते आते दरवाजे पे एक बोतल पानी और ठंड पहने के लिए उड़ेल दिया। और उसके बाद मम्मी गेट नहीं खोल रही थी, मम्मी भी ना दिया जलाने में लगी हुई थी, तो बस तो इतने देर में अनमोल कुछ तो करे, तो बस अनमोल ने कर ही दिया कुछ ना कुछ। और फिर मैं आ गई थी, मशरूम की सब्जी बनानी थी मुझे। और शाम में मैं अचानक से शाम में लगी थी, तीन बजे से लगी थी डी आई वाई से लेकर के यहाँ तक का मेरा लगातार हो गया। ऐसे मैं मोस्टली लगती हूँ 5 बजे से, तो मेरा लगातार रहता है काम ऐसे करके, और रात के 2 बजे तक रहता है क्योंकि लड्डू जब तक सोएगी नहीं उसको सुलाना पड़ता है, उसके बाद एडिटिंग रहेगा। तो कुछ यही चल रहा है अभी फिलहाल काम। डीजे सर आएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम, क्योंकि कुछ काम तो वही मैनेज कर देते हैं, कुछ क्या मतलब कि मेरे 50% काम वो मैनेज कर देते हैं, ऑनलाइन से लेकर के और घर में हेल्प तक में अपलोडिंग भी वही करते हैं। और मेरी कमर की बैंड बज गई है क्योंकि स्कूटी थोड़ा सा ऐसा होता है ना, स्कूटी पे बैठिए ना और बाइक पे बैठिए तो डिफरेंस होता है। स्कूटी पे थोड़ा सा कमर ना ऐसे दबता है, और मेरी वैसे भी ये रहता है बैक का प्रॉब्लम, तो सी सेक्शन के बाद से मेरे ये बैक वाला प्रॉब्लम रहता है, और सेकंड सी सेक्शन के बाद से थोड़ा ज़्यादा रहने लगा। तो इसका भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ होता होगा ऐसा, पता करेंगे कुछ। आप लोगों को कुछ पता हो तो बताइएगा। इसके बाद मैं सब्ज़ी बनाई थी जल्दी जल्दी, और सब्ज़ी चढ़ा के नहाई, और नहा के तुरंत आई दौड़ते भागते कैसे भी करके तैयार हुई थी। तो ये यहाँ की वीडियो थी जो मैंने स्टार्टिंग में क्लिप लगाई थी, और कुछ इस तरह से मैं रेडी होके अपनी क्लिप्स निकाली फटाक से, और फिर उसके बाद चली गई थी खाना खाने के लिए। और मुझे थोड़ा लेट हो गया था, मैंने कहा था मम्मी को कि मतलब मम्मी पापा खा लेंगे अपना, तब तक मैं अनमोल खा लेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आज लेट हो जाने वाला था, मुझे पहले ही पता था। बस इसके बाद क्या ही है, अब चलते हैं सोते हैं। और हमारे पीछे देखिए अनमोल ने कितनी सारी बहारें बिखेर रखी हैं, बट ठीक है ये सुबह समेटा जाएगा। चलते हैं, बाय, गुड नाइट।